ठीक है, जो एक सेमेस्टर था मेरा मैंने क्लियर कर लिया, पास हो गया अच्छे नंबर से भाई, नेक्स्ट सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब बस एक हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पीयूष चला लंदन। तो यार पीयूष चल के लंदन तो अब 6 महीने हो गए मुझे आज कंप्लीट यहाँ पर आए हुए। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:40, रात को भाई बढ़िया तरीके से सो गए हैं 11:30 बजे तक, और नींद पूरी हो गई है। पूरे एक हफ्ते बाद नींद पूरी हुई है आज। अब उठ के आज मैं, यार देखो ये बेडशीट का कलर भी चेंज लग रहा है, ये बेड भी दूसरा है। आज मैं सो रहा हूँ पाजी के घर पर, 2 दिन से पाजी के घर ही रुका हुआ हूँ क्योंकि एक दिन शिफ्ट लगा के आए थे तो रात को लेट हो गए थे मैं और पाजी, फिर यहीं आ गया मैं, फिर यहीं रुका हुआ हूँ मैं। इतना आलसी हो गया हूँ मैं यहाँ आके ना। अब बस उठ के थोड़ा फ्रेश वगैरह होके ब्रेकफास्ट करके बस अपने घर निकल रहे हैं। सात्विक भी यहीं है, वो भी सो रहा है। अभी बस उठ के निकलते हैं, बाकी अपडेट मैं आपको देता हूँ आज क्या क्या प्लान्स हैं। ठीक है, चलो फिर। सो यार अभी क्या हुआ कि अभी मैं यश को स्कूल भी छोड़ के आ गया, वाइट शर्ट पहन रखी है, यार जॉब पर गया था ना तो वही शर्ट पहन ली है, फिर कपड़े मैं ज़्यादा लेकर नहीं आया हुआ था पाजी के घर था। ठीक है, तो ये अपना लुक है, लुक था अपनी जॉब का जो हम शिफ्ट पे गए थे। ठीक है, देख सकते हो ये ब्लैक पैंट है, ये वाइट शर्ट है, लग तो हम बचपन से ही स्मार्ट रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा था कि अभी मैं फिर यश को स्कूल छोड़ने गया था, पाजी का जो बेटा है यश। ठीक है, बालों पे मत जाना प्लीज़। ठीक है, तो फिर सात्विक पीछे आ रहा है, सात्विक भी चल रहा है, अभी हम जा रहे हैं यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी जाना है यार। ठीक है, यूनिवर्सिटी में कुछ काम है, और एक खुशखबरी ये है कि यार मैं पास हो गया भाई। ठीक है, जो एक सेमेस्टर था मेरा मैंने क्लियर कर लिया, पास हो गया अच्छे नंबर से भाई, नेक्स्ट सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब बस एक ही सेमेस्टर बचा है, उसके बाद पढ़ाई ख़त्म, मास्टर्स की डिग्री अपने हाथ में होगी, हम भी ऐसे करके अपनी कैप उड़ाएंगे। ठीक है, चलो वो तो एक नेक्स्ट स्टेप है, अभी थोड़ी मेहनत और करनी है उस चीज़ पर। अब बात यह आती है कि अब हमें आगे क्या करना है। आज जाना भी है यार वाइट चैपल जाना है। वाइट चैपल क्यों जाना है, क्या करना है, वो चीज़ मैं वहीं जाके बताऊंगा। किसी के साथ मीटिंग है वाइट चैपल में, वो मीटिंग अटेंड करनी है। मीटिंग अटेंड करने के बाद यहाँ से वाइट चैपल बहुत दूर है, 1.5 घंटा लगता है भाई ट्रेन से भी, बट जाएंगे क्योंकि काम पर फोकस करना है अभी, क्योंकि कुछ महीने हैं मेरे पास जो मैं अभी खाली हूँ, कोई क्लासेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ना डिसर्टेशन ना कुछ, सिर्फ फोकस अभी ये है कि चल ठीक है अब जो हो गया हो गया, अब फोकस करना है काम पर। तो उस चीज़ की मीटिंग है वहाँ पर, वो मीटिंग अटेंड करने जाएंगे। उसके बाद वहाँ से आके हमारी एक फ्रेंड है डोसा, जिसके बारे में आपने, मैंने कितनी बार व्लॉग में जिक्र करा हुआ है, सुष्मिता। ठीक है, वो इंडिया गई हुई थी, अब वो इंडिया से आ रही है, तो उसका कॉल आया पाजी के पास कि यार मुझे लेने आ जाओ, मेरे पास 4-5 बैग है। ठीक है, तो अब उसको पाजी कह रहे हैं कि यार उसको भी लेकर आना है, तो मैंने कहा चलो ठीक है देखते हैं, अगर वहाँ से जल्दी आ गए तो उसको ले आएंगे, उन्हें उसको बोला कैब कर लें भाई। एक तो कैब का यहाँ पर क्या सीन है ना कि कैब मिलती बड़ी महंगी है भाई। ठीक है, यहाँ पर जैसे अपनी इंडिया में क्या है, इंडिया में कैब मिल जाएगी ना सस्ते में, तो यहाँ नहीं मिलती यार सस्ते में कैब, यहाँ पे अलग ही ड्रामे चलते हैं भाई। जैसे एयरपोर्ट से जो हमारा घर है वो करीबन करीबन होगा 30-35 किलोमीटर, मतलब जितना मेरा घर अपने एयरपोर्ट से है उससे तो ज़्यादा ही है ये, बट इसके वो ले लेते हैं मेरे से, पिछली बार जब मैंने जब एयरपोर्ट से घर गया था जो लोकेशन ली थी उस टाइम पर मेरे कितने लगे थे यार, मेरे अराउंड मेरे 5,000 के आसपास लगे थे। ठीक है, तो अब जो अब चेक कर रहे हैं फेयर हाई हो चुके हैं, तो करीब करीब उसके 8-10 हज़ार रुपये लग जाएंगे, तो यार वो चीज़ नहीं करवानी ना यार। ठीक है, तो चल ठीक है उसको बस में ले आएंगे यार चल के, कोई बड़ी बात नहीं है यार, बस में जाके लेके आ जाएंगे उसके, एक बैग हम उठा लेंगे, वो एक बैग सात्विक ले आएंगे लड़की को यार, सेफली उसको घर पहुँचा देंगे। बाकी मैं दिखाता हूँ यश का स्कूल कौन सा है, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे यश का स्कूल है। ये यश का स्कूल चल रहा है भाई, बहुत अच्छा स्कूल है, अंदर से मैं वीडियो बनाना चाह रहा था तो बनाने नहीं दी, क्योंकि देखो प्राइवेसी होती है, बच्चे बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर ना। ठीक है, और यहाँ पर प्राइवेसी को बहुत मैटर करी जाती है ये चीज़। आप ये देखो, ये स्कूल है यहाँ पर, आज बच्चों का स्पोर्ट्स डे चल रहा है, खेल रहे हैं, बड़ी भीड़ लगी हुई है भाई अंदर, बट वो तो नर्सरी सेक्शन, प्राइमरी सेक्शन में है, तो प्राइमरी सेक्शन उधर है, वो यहाँ पर प्राइमरी सेक्शन है ये। बस अब हम बस लेने जा रहे हैं, बाकी मैं आगे आगे चल के बताता हूँ आपको। ये देखो, ये है वेस्ट ड्रेटन, तो वेस्ट ड्रेटन कैसा दिखता है वो आप सब देख सकते हो, ये अपना वेस्ट ड्रेटन इस तरीके से दिखता है। आ गए यूनिवर्सिटी है जंगेल इलाके से, बस ने भाई छोड़ दिया कहीं पे पीछे जंगेल वाले इलाके पे। ठीक है, दूसरी बस ली थी उसने पीछे छोड़ दिया, यहाँ से वॉक करते हुए आए हैं। ये हमारी यूनिवर्सिटी है, मतलब ये पीछे का ये गुप्त रास्ता था, वहाँ से हमने एंट्री ली है। ठीक है, अब ये यूनिवर्सिटी आ गई है, ये यूनिवर्सिटी का पीछे गया, मतलब एंड पे चल रहे हैं हम यूनिवर्सिटी के। बस अभी ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ से अब क्रॉस करके हमें आगे को निकलना है,
ठीक है, फिर उसके बाद हम अपना टीपीओ जाएंगे। बट यार जहाँ का अभी मैं इलेक्शन जीता हूँ ना, तो वो ये बिल्डिंग है जो जिसका मेरे को एक्सेस मिल जाएगा। इस बिल्डिंग में कोई भी इवेंट होंगे, कुछ भी होगा, ये बिल्डिंग है, मैं आगे से दिखाता हूँ इस बिल्डिंग को, आर्ट रोड है। इस बिल्डिंग में कोई भी इवेंट होगा, कुछ भी होगा, सारा कुछ मेरी परमिशन से होगा यहाँ पर, ठीक है। मतलब कि जैसे एक्सेस होता है वो मेरे पास रहेगा इसका पूरा, इस बिल्डिंग का पूरे एक साल तक अब, ठीक है। बस वही डॉक्यूमेंटेशन साइन वाइन होंगे, अभी प्रॉपर तरीके से बैच वगैरह दिया जाएगा। मैं दिखाता हूँ ये बिल्डिंग, यार बड़ी बेहतरीन बिल्डिंग लगती है मुझे तो, बढ़िया सी लगती है, आर्ट रोड ये भाई बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग का मुझे एक्सेस दे दिया गया भाई, ठीक है। यहाँ पे ऑडिटोरियम वगैरह है हमारा बड़ा, ठीक है, थिएटर वगैरह सब कुछ है यहाँ पर। जो भी न्यूज़पेपर बनता है यूनिवर्सिटी का, वो सारा इसी बिल्डिंग में बनता है न्यूज़पेपर, सब कुछ इसी बिल्डिंग में होती है ये चीज़ें। जो मेन एक्सेस है वो इसका ये है, ठीक है। कुछ भी होगा, कोई भी इवेंट होना है, यहाँ से पहले प्रिपरेशन स्टार्ट होगी, फिर आगे जाके मेन जगह पर जाएगी। और ये अपनी पार्किंग है यूनिवर्सिटी की, सारी देख सकते हो, ये पेड पार्किंग होती है, फ्री पार्किंग नहीं है भाई। कहीं सोचो फ्री पार्किंग है भाई, £8 लेते हैं एक गाड़ी पार्क करने का, और वो भी पता नहीं एक घंटे का लेते हैं, आधे एक घंटे दिन का लेते हैं। ये अभी मैंने गाड़ी नहीं है ना यहाँ पर, इसलिए तो पता नहीं करा, £8 मिनिमम है भाई यहाँ पर, ठीक है। ये गाड़ियाँ खड़ी है, जैसे अपने यहाँ पर यार स्विफ्ट बड़ा चलती है ना, यहाँ पर ये मिनी कूपर स्विफ्ट की तरह चलती है, देखो हर तीसरे चौथे बंदे के बाद मिनी कूपर दिख जाती है भाई, ये देखो चल रही है भाई, बढ़िया मौज आ गई भाई। अब आगे लाइब्रेरी की तरफ, ठीक है, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ यार अपने यहाँ पर ना बढ़िया तरीके से फ्लावर्स आ गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स आए, मैं दिखाता हूँ। देखो यूनिवर्सिटी ऐसी लगती है भाई, जब समर होती है ना, समर में यूनिवर्सिटी का नज़ारा ही बिल्कुल अलग है भाई, ये देखो बहुत मतलब अच्छा खासा मौसम हो रहा है, हाफ में घूमो, ये यूनिवर्सिटी है भाई, वहाँ पर स्टूडेंट सेंटर है, लाइब्रेरी है, ये यहाँ पर लेक्चर्स होते हैं भाई, ठीक है। कुछ लेक्चर्स मेरे यहाँ भी लगे हैं, ठीक है। जो होली सेलिब्रेशन हुआ था सात्विक ने भी दिखाया होगा आपको अपने व्लॉग में, मैंने भी कुछ रील्स वगैरह वीडियो वगैरह शेयर किए, एक होली सेलिब्रेशन वगैरह यहाँ होता है, यहाँ हुआ था, ठीक है। अभी ये क्वाड सेंटर है, यहाँ पर क्लासेस वगैरह लगती हैं, ठीक है। मतलब लेक्चर्स, कुछ कुछ लेक्चर्स यहाँ होते हैं, कुछ थिएटर्स हैं यहाँ पर, वो चीज़ें होती हैं यहाँ पर, ठीक है। बच्चे अपने गांव से आ गए हैं, देखो ये चल रहा है बस, ठीक है। अब बहुत ये देखो आप लोग, अभी मैं जा रहा हूँ उस मेन बिल्डिंग में जो मेरा लेक्चर होता है, बिजनेस बिल्डिंग में जो मेरा कोर्स है, वो प्रॉपर मेरा कोर्स जो है वो उस बिल्डिंग में है, बिल्डिंग, ठीक है। ये हमारी बिजनेस बिल्डिंग है, इसके अंदर जितने भी बिज़नेस रिलेटेड कोर्सेज हैं वो सारे यहाँ होंगे, और जो मेन रिसेप्शन है वो इस बिल्डिंग में है, ठीक है। इस बिल्डिंग का नाम है ईस्टर्न गेटवे बिल्डिंग, ठीक है। इस बिल्डिंग में मेन रिसेप्शन इस बिल्डिंग में है, टाइम टेबल से रिलेटेड जो भी बात करनी है वो भी इस बिल्डिंग में आकर करनी है, टीपीओ जो है वो मेन ऑफिस, सब चीज़ इसमें है। ये रोड क्रॉस करना है तो हमें लेफ्ट राइट देखना पड़ेगा, सब कुछ है, मतलब मेन कैंपस जो शुरू होता है वो उस जगह से होता है, वहाँ से एंट्री लो बस। इधर आके ये बाइक खड़ी हुई है, रेसिंग ब्रूनेल रेसिंग बाइक है, बड़ी बेहतरीन बाइक है, देखो है ना, बढ़िया लग रही है, R15 वाली लुक दे रही है, बढ़िया सी अच्छी। ये सोफे वगैरह लगवा रखे हैं हमारे लिए, बैठो आओ, देखो अपना, देखो टीपीओ, ठीक है, टॉट प्रोग्राम। बस चल रहे हैं, फिर भाई जा रहे हैं हम लोग अभी ट्यूब लेने के लिए, ठीक है, ट्यूब लेके बस जा रहे हैं। बाल कैसे लग रहे हैं यार, बड़े बाल कर लूँ क्या, देखना भाई कर लूँ, अच्छे लगेंगे, देखते हैं अभी कैसे लगेंगे। तो ये अपना रख लिया है हमने बैग, इसके अंदर थोड़ा डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख लिए हैं, ये आज अभी नीचे से पहन लेंगे शूज़ जाके, ठीक है, अच्छे लग रहा है वैसे, ठीक है, स्मार्ट तो नहीं बचपन से। घर निकल गए, ठीक है, घर से तो बाहर उतर गए हैं अभी। पता है क्या, हमारे घर यश रुका हुआ था एक दिन के लिए भाई, उसके पापा मतलब पाजी ना उसके लिए वो लेकर आए थे बॉटल्स वगैरह जूस की, ये ठीक है, वो भूल गया। और मुझे बच्चों की चीज़ें चुरा के पीने में बड़ा मज़ा आता है भाई, ये बॉटल रख ली मैंने छुपा के फ्रिज में, अब मैं अपने घर वापस आया हूँ, ये बॉटल अब मैं पीऊँगा। ये होता है भाई फ्रूट शॉट है ये, ठीक है, मतलब कि फ्रूट जूस है, बढ़िया होता है पीने में जैसे कि लोग बताते हैं, मैंने नहीं पिया कभी, मैं आज फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगा। सात्विक पीछे आ रहा है, हम चल रहे हैं। ये घर भाई कंस्ट्रक्ट हो रहा है, यहाँ पर ऐसे कंस्ट्रक्ट होते हैं, पता ही नहीं चलेगा कि कैसे कंस्ट्रक्ट हो रहा है, और ये कंस्ट्रक्ट हो रहा है, मतलब कि कोई शोर शराबा नहीं, जैसे अपने इंडिया में होते हैं ना वो JCB आ रही है, या फिर वो जो लेंटर डलता है उसके लिए वो आते हैं ना बड़ी बड़ी मशीन, घर 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 वाजे करती है, वो नहीं है यहाँ पर ना, वो उससे तो शांति है, बाकी शांति है। देखो मैं कितने व्लॉग्स बना रहा हूँ तो कोई शोर शराबा आ ही नहीं रहा होता, शांति शांति है यहाँ पर। ये एक बेनिफिट है कि हाँ अगर किसी भी कंट्री जाते हो तो ये बेनिफिट है कि शांति मिलती है, ठीक है,
कोई शोर शराबा नहीं। दंगे तो यार यहाँ पर भी होते हैं, ये नहीं है कि दंगे नहीं होते, पर शोर शराबा कम है। बाकी देखो चलते हैं अभी बस लेके ट्यूब स्टेशन जाऊँगा, पाजी से मिलवाता हूँ। बहुत दिनों से पाजी भी मेरे व्लॉग में नहीं है, मैं व्लॉग ही नहीं डाल रहा था, बात तो ये है ना। बाकी फिर चलते हैं अभी, आगे बताते हैं। तो आगे यार ट्यूब स्टेशन पे, ठीक है ये स्टेशन है हमारा ट्यूब स्टेशन, यहाँ से आनी है अभी ट्रेन, ट्रेन लेके हमने जाना है आगे व्हाइट चैपल की ओर। बस अच्छा मौसम हो रहा है, बहुत बढ़िया बेहतरीन मौसम हो रहा है, क्या ही बताएं हम आपको, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। स्टेशन से निकल कर ना अभी मैं और सात्विक और पाजी है ना, पाजी ये रहे, पाजी हाय कर दो एक बारी। तो मैं पाजी और सात्विक अभी स्टेशन से निकल कर आगे चलते हुए जा रहे थे जहाँ हमें जाना है, तो वहाँ पर हमें एक की बनवानी थी, की वहाँ तो नहीं बनवानी थी, रास्ते में हमें एक की बनाने वाले भैया मिल गए, उनसे बनवा ली। देखते देखो चाबी बन रही है भाई यहाँ पर, ठीक है एक चाबी हमारी बन गई, दूसरी चाबी बन रही है, किस तरीके से बन रही है ये भैया बना रहे हैं। किसी ने भी बनवानी है कोई भी यहाँ पर आके बनवाओ, बहुत सस्ते रेट पर है। दे आर ओनली चार्जिंग 2.5 pounds, मतलब कि अगर इंडियन रुपीस में कर दूँ तो 250 rupees ले रहे हैं एक चाबी बनाने के, बट ठीक है यहाँ पर बहुत चीपेस्ट, अभी तक की चीपेस्ट यही मिली है। तो मैं यही कहूँगा कि कोई भी चाबी बनवा लो भाई, कोई भी सारी बन जाएगी भाई। क्या हुआ अभी जिस काम के लिए गए थे वो काम तो हुआ नहीं, अभी दोबारा आना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है दोबारा आएंगे अभी, दोबारा देखते हैं क्या सीन है। बाकी अभी जा रहे हैं मोमोज खाने, यहाँ पर मैंने सुना है कि कहीं ना मोमोज मिलते हैं, और बहुत टाइम से ना क्रेविंग हो रही है मोमोज की। इंडिया में होता था ना दिल्ली में भाई, मोमोज खाने होते थे, चल भाई स्कूटी स्टार्ट करी चल खाने चला जाए, या घर मंगा लिए ये कर लिए, पैदल चले गए। पर अब यहाँ पर तो भाई कहीं भी मोमोज नहीं है, और हैं पता नहीं उसको डंपलिंग्स कहते हैं, एक तो इनका ही वो है मोमोज को डंपलिंग्स, ठीक है। और वो जो डंपलिंग्स आती है ना इतनी गंदी इतनी रद्दड़ भाई, और वेजिटेरियन हूँ मैं, मेरे को तो मिलती नहीं। और बाकी अभी देखते हैं, एक है यहाँ पे मोमोज इंडिया की दुकान है वो, देखते हैं अभी क्या होता है आगे जाके, मुझे भी नहीं पता, फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। देखना भीड़ क्या चल रही है स्टेशन पे, कितनी भीड़ है भाई, बिजली वाली सीढ़ियों पर भी भीड़ इतनी है कि वॉक करके जाना पड़ रहा है, ये राइट साइड पे खड़े होना पड़ता है, तो लेफ्ट साइड पे उसको वॉक करके जाना ही जाना है। ये वुलविथ स्टेशन को हम क्रॉस कर देंगे यहाँ से, ठीक है यहाँ से एग्ज़िट ले लेंगे, ठीक है ये यहाँ से एग्ज़िट लेकर बाहर जाते हैं। दिखाता हूँ वुलविथ कैसा है, मैं भी पहली बार ही देखूँगा यहाँ का, ऐसा दिखता है वुलविथ बाहर से, ठीक है मतलब कि बाहर से क्या वुलविथ है, ऐसा स्टेशन के बाहर से ऐसा दिख रहा है। ये स्टेशन था, यहाँ से निकले ये वुलविथ है, ये यहाँ पे अच्छा लग रहा है देखने में, तो मौसम भी यहाँ का बढ़िया है। यहाँ रखी हैं तोपें, तोपें रखी हुई हैं, और उस तोप पे एक तोप बैठी हुई है, वो देखो वो तोप उतर गई, वो तोप उस तोप पे बैठ गई थी, तो वो तोप पे बैठी हुई बिल्कुल ही तोप लग रही थी। अब हम इस वे से जा रहे हैं बाहर, इधर से जाना है बाहर, और इधर से बाहर जाके हम लोग निकलते हैं अपने मोमोज की ओर। देखो दो नीले बाउंसर, सेम कपड़े, दो नीले बाउंसर जा रहे हैं, देखो देख रहे हो बाउंसरों को, ये बाउंसर है भाई यहाँ के, ये है भाई मार्केट यहाँ के वो लुच के, इस मार्केट के अंदर दिखा रहा है वो कि यहाँ से खाने हैं तुमने मोमोज, इनको मत देखो अब मार्केट देखो भाई। कैलाश मोमो, ठीक है ये कैलाश मोमो है, अब जाते हैं कैलाश मोमो के अंदर क्या है, एंट्री लेते हैं कैलाश मोमो में, ये कैलाश मोमो एंट्री ले लिया, अभी देखते हैं क्या चलता है। देखते हैं आप कैलाश मोमोज के, मोमोज कैलाश की तरह ऊंचे होंगे, हर जगह पे, हर जगह पे बहुत रिलीजियस डायलॉग ऐसा हो रहा है, कोई नहीं मुझे यार देखो तुम दोनों कुछ भी बोलो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है 1 2 अभी वहाँ पर आके काउंटिंग कर नहीं सकता, वो सिद्धार्थ शुक्ला वाला डायलॉग था ना, तुम जो मर्जी करो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मैं अपना खाना है वो खाऊँगा, ठीक है बस दैट्स ऑल ब्रो, ठीक है अभी देखते हैं, अभी मैं दिखाता हूँ मोमोज आएंगे, मैंने उसके साथ तो रेडबुल मंगाई है पीने के लिए, इन दोनों ने मंगाए हैं जूसेस, ये जूसेस पियेंगे बस, ठीक है ये आ गए अपने मोमोज, ये मोमोज की शक्ल है, ये चटनी है, ये लोग मोमोज आए हैं। अभी कैसे लगे आपको यहाँ के मोमोज भाई? बढ़िया बढ़िया भाई। कैसा टेस्ट आ रहा? कैट कैट। तेरे को कैसे लगे भाई?
भाई ये पी रहा है, ये बियर मत समझना, ये एप्पल जूस है, ऐसे कुछ मत सोचना। सात्विक एक साधारण लड़का है, हम भी साधारण लड़के हैं, पाजी भी एक साधारण आदमी है, ये मेरी रेड बुल है, मैं भी साधारण आदमी हूँ, ठीक है। बस खा के बताते हैं भाई, देखते हैं यार, ठीक है। ये रे यार, ये मोमोज भाई प्रॉपर वही फीलिंग है, इंडिया वाली फीलिंग आ रही है, ठीक है। ये मोमोज ले लिया है, इसको चटनी में लगा के देखते हैं खा के। मैं बता रहा हूँ भाई, प्रॉपर इंडिया वाला टेस्ट आ रहा है, वही जो रोहिणी वाली साइड पे वेरिएशन मोमोज का टेस्ट आता है वो, उससे भी अच्छा है। जब बात करूँ गली के मोमोज की, रेडी वाले मिलते हैं, वही टेस्ट है, बहुत टेस्टी है। कोई भी यूके आता है आई विल रिकमेंड दैट, यहीं आके खाना। कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, कोई कुछ नहीं है भाई, 700 रुपये की प्लेट मोमोज की खा रहा हूँ, 700-650 की है, खाओ, अच्छे मोमोज है, 7-8 पीस आ जाएंगे, बहुत टेस्टी है, खाओ आके, बाकी बाद में बताता हूँ। अभी ये पी लिया, बाद मैंने मंगवाए थे ये चिली मोमोज, ये भी बहुत स्वाद है चिली मोमोज भी, ठीक है। 2-4 पीस तो मैंने खा लिया यार, इसके वीडियो बनाना भूल गया था, बट चिली मोमोज भी बहुत स्वाद है। मोमोज खाओ या कुछ भी खाना खाओ, खाना खाने के बाद सौंफ ना मिले तो मज़ा नहीं आता, वही चीज़ हमें सौंफ मिल चुकी है यहाँ पर। बिल भी हमारा अच्छा खासा आ चुका है, मैं दिखा देता हूँ एक बारी बिल भी अपना, ये हमारा बिल आ चुका है, ठीक है। कोई बात नहीं, चलो ठीक है, कमा रहे हैं तो थोड़ा खा भी लेंगे। ये हमारी सौंफ आ गई है, सात्विक सौंफ खाएगा हमारा भाई। बस इस तरीके से अभी मैं भी एक सौंफ का फंकी ले लूँगा, ये लाला जी बैठे हैं और अब हम जा रहे हैं। गाइस मेरा सब कुछ हो चुका है, मतलब कि सब कुछ, इन द सेंस कि यार मैं आपको बताऊं कि जो मैंने ये व्लॉग बनाया, मैंने क्यों बनाया ये व्लॉग, किस क्या रीज़न है इस व्लॉग को, मतलब कि व्लॉग को बनाने का रीज़न क्या, मतलब कि आज से ही क्यों दोबारा से व्लॉगिंग स्टार्ट करी यार। मुझे 6 महीने यहाँ पे कंप्लीट हो गए, इससे ज़्यादा बड़ी खुशी मेरे लिए और कुछ नहीं है यार। मेरे को 6 मंथ्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए, ठीक है, आधा साल मुझे यहाँ पर हो गया, मेरा रिज़ल्ट आ गया, मैं पास हो गया। मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में यार, मेरा रिज़ल्ट आ गया, मैं पास हो गया, ठीक है, एक सेमेस्टर मेरा क्लियर हो गया अच्छे नंबर से, ठीक है। तो जो भी कंग्रेचुलेशन बोलेगा उसके लिए थैंक यू सो मच, ठीक है। और बाकी फिर ये है कि यार पाजी के घर से निकल गए हैं, 2 बसें चेंज करनी होती है, साइकिल पे जाता हूँ तो यार 10 मिनट में पहुँच जाता हूँ, ठीक है, बट जब बस से आता हूँ तो यार अराउंड 25-30 मिनट्स लगते हैं घर आने के लिए। अब टाइम जो हो रहा है वो हो रहा है 12:45 to 1, ठीक है। अब उसके बाद अब घर जाके सोऊंगा फ्रेश वगैरह होके, फिर सुबह उठ के एक जगह जाना है, वो मैं दिखाऊंगा आपको कहाँ जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है कल मेरा, वो हो गया तो यार बहुत बढ़िया चीज़ हो जाएगी। होप फॉर एवरीथिंग एंड प्रे फॉर एवरीथिंग यू विल अचीव वन डे एंड व्हाट्स, ठीक है, हो जाएगा सब कुछ, है ना। चलो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, थैंक यू सो मच इस व्लॉग में बने रहने के लिए। नेक्स्ट व्लॉग को भी मत भूलना देखना, अब से मैं डेली व्लॉगिंग करूँगा, मैंने चैलेंज करा है अपने साथ 30 डेज़ का, तो मेरे 30 डेज़ का चैलेंज आप लोग भी मत टूटने देना, मैं भी नहीं टूटने दूंगा। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट मेरे लिए, गुड मॉर्निंग आपके लिए।